हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको किलिंग मी सॉफ्टली ये 2002 की थ्रिलर मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी स्टार्टिंग में एक ट्विस्टेड लव स्टोरी लगती है, पर उसके बाद एक बहुत ही अच्छी थ्रिलर बन जाती है। तो चलिए इसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि माउंटेन पर कुछ लोग हाइक कर रहे होते हैं। यही हाइकिंग करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है और सब लोग मर जाते हैं। इसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है एलिस, ये हमें दिखती है। ये जो अब मूवी है इसकी स्टोरी एलिस हमें बता रही है। एलिस का घर दिखाया जाता है और एलिस हमसे कहती है उसके ज़्यादा कुछ फ्रेंड्स नहीं है, उसके फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं है। एलिस उसके बॉयफ्रेंड के साथ लंदन में रहती है। ये 1.5 ईयर से लंदन में रह रही है। फर्स्ट 6 मंथ्स में इसे बहुत ही लोनली महसूस हो रहा था, तभी इसका बॉयफ्रेंड बन गया। अब एलिस उसके बॉयफ्रेंड के साथ ही रहती है। एलिस का बॉयफ्रेंड एक इंजीनियर है और एलिस वेबसाइट वगैरह बनाने का काम करती है। एलिस हमें यह सब बता रही है, इससे पता चलता है कि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रही है जो उसे ज़्यादा पसंद नहीं है। इसके बाद एलिस अपने काम पर जा रही होती है। रास्ता क्रॉस करने के लिए फुटपाथ पर वो रुकती है, तभी उसे एडम दिखता है। एलिस जब उसे देखती है तो उससे वो अट्रैक्टेड हो जाती है। जब रास्ता क्रॉस करती है आगे चलती है तभी उसे ही देख रही होती है। उसका ऑफिस पीछे होता है, पर सोचते सोचते वो आगे चली जाती है। ऑफिस के बाहर रुकती है और एडम कहाँ काम करता है ये वो देख लेती है। आज दिन भर वो एडम के बारे में सोचती रहती है। एलिस का जब लंच ब्रेक हो जाता है तो एडम को जिस बुक स्टोर में जाते हुए उसने देखा था वही वो पहुंच जाती है। वो एडम को चुपके से देखती है, पर एडम उसे स्पॉट कर लेता है। वो फिर से बाहर निकलती है तो एडम वही खड़ा होता है। अब एलिस हमसे कहती है कि एडम ने मेरे लिए एक टैक्सी मंगवाई, यानी कि ये दोनों एडम के घर जाने वाले हैं। ये जो स्टोरी है ये एलिस बता रही है। अगर आपको लगा कि ये कुछ इलॉजिकल है, पर उसके माइंड में इसी तरीके से ये स्टोरी बनी है, तो यही वो बता रही है। एडम और एलिस एक दूसरे से अट्रैक्टेड है तो डायरेक्टली एडम के घर पर आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जब एलिस यहाँ से जा रही होती है तो एडम उससे कहता है कि कल भी तुम आना। एलिस कहती कि मैं काम करने वाली हूँ। एडम कहता है तो आज रात आ जाना। एलिस कुछ बोलती नहीं। एडम कहता है कि जब भी तुम्हें लगे तब तुम आ जाना, मैं यही रुकूंगा। एलिस ने अपने बॉयफ्रेंड पर चीट किया है तो उसे बहुत ही गिल्टी महसूस होता है। उसका जो रूटीन चल रहा था उसे वो कंटिन्यू करना चाहती है। वो एडम को भुलाने की कोशिश करती है, पर बुक स्टैंड के यहाँ एडम की फोटो वो देखती है। एडम पर एक बुक लिखी गई होती है। एडम एक्चुअल में बहुत ही बड़ा हाइकर है। हाइकिंग करते वक्त एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान उसने बचाई थी। एलिस को एडम से मिलना होता है। वो अपने आप को रोक रही थी पर वो रोक नहीं पा रही। वो डायरेक्टली एडम के पास आ जाती है और ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। एलिस फिर एडम से कहती है कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी। एडम कहता है कि वो मेरी बुक नहीं है, वो मुझ पर बेस्ड है। एडम फिर उस एक्सीडेंट के बारे में कहता है। एडम ने एक्सीडेंट में लोगों को बचाया था, पर उसमें ही और भी लोग थे जो मर गए थे। एडम फिर इनके बारे में कहने लग जाता है। कहता है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था, ये होना नहीं चाहिए था। एडम की एक गर्लफ्रेंड थी जो भी इस एक्सीडेंट में थी, उसे उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। ये कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि 20,000 फीट की ऊंचाई में कैसा महसूस होता है। एडम फिर फिश पॉट के पास जाता है। फिश को पॉट से बाहर निकालता है तो फिश फड़फड़ाने लगता है। एडम कहता है कि इसी तरीके से हमें भी महसूस हो रहा था। इस हादसे को अब 2 साल हो चुके हैं। अब एलिस एडम से कहती है कि मैं किसी के साथ हूँ। एडम कहता है कि पर तुम अब यहाँ हो। अपने काम से घर जाते वक्त एलिस को अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। यहाँ पर उसे आई लव यू कहता है तो एलिस भी कह देती है। एलिस को बहुत ही गिल्टी महसूस होता है तो वो रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेती है। उसके बॉयफ्रेंड को कुछ समझ में नहीं आता। उससे पूछता है कि ऐसा क्यों कर रही हो। एलिस कहती है कि मैं किसी और से मिली हूँ। उसका बॉयफ्रेंड पूछता है कि हम एक साथ रहते हैं और फिर भी तुम किसी और से मिल रही थी। इसे बहुत ही हर्ट महसूस होता है और इनका ब्रेकअप बहुत ही बुरा होता है। एलिस फिर घर से निकलती है और एडम की यहाँ आ जाती है। वो डोर नॉक करती है तो वहां से एक लड़की आती है। एलिस को चिटेड महसूस होता है। उसे लगता है कि एडम की एक गर्लफ्रेंड होगी। ये लड़की एलिस को बिठाती है और फिर कहती है कि वो एडम की सिस्टर है। इसके बाद एलिस को जरा अच्छा लगने लगता है। एडम की सिस्टर का नाम डेबरा होता है और डेबरा को एलिस के बारे में सब कुछ मालूम होता है। ये दोनों बात करने लग जाती है। फिर डेबरा कहती है कि मेरा ब्रदर एक हीरो है, पर ये चीज वो भूल जाता है। जो एक्सीडेंट हुआ था इसमें उसने लोगों को बचा ही था, पर जो लोग मर गए उनके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानता है। ये एक एक्सीडेंट था और ये किसी के साथ भी हो सकता था, ये वो भूल जाता है। डेबरा एलिस को एक ड्रिंक ऑफर करती है और कहती है कि अब तुम उसके साथ हो, यही इम्पोर्टेंट है। एलिस को यह पता चलता है कि डेबरा थोड़े दिनों के लिए बाहर गई थी, इसीलिए एडम उसके घर में रह रहा था।
डेबरा एडम के घर का पता उसे दे देती है। एलिस जब एडम के घर पर पहुंचती है तो एडम वहां नहीं होता। बाहर बहुत ही ठंडी होती है पर ये बाहर ही रुकती है। एडम जब वहां पहुंचता है तो उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। जब सुबह होती है तो एडम की इंटरव्यू लेने के लिए मैगजीन से एक जर्नलिस्ट आती है। एलिस को काम के लिए जाना होता है पर उसे उसके कपड़े नहीं मिल रहे होते। सब जगह और ढूंढने लग जाती है। एक कबर्ड के पास आती है तो कबर्ड वो लॉक होता है। सब ड्रावर चेक करती है तो उसे एक चाबी कबर्ड की मिल जाती है। पर तभी उसे उसका शर्ट दिख जाता है और वो पहन लेती है। या एलिस ऊपर के रूम में होती है और एडम का नीचे इंटरव्यू चल रहा होता है। एडम के फोन पर कॉल आता है जो एलिस उठाती है पर वहां से कोई भी आवाज नहीं आती। एलिस को जरा सस्पिशियस लगता है पर वो इसे जाने देती है। एलिस रेडी हो जाती है और वर्क के लिए जा रही होती है। तभी एडम ये देखता है और इंटरव्यू के बीच में ही उठकर उसके पास आ जाता है। उसे कहता है कि आज दिन भर मैं तुम्हारे बारे में सोचने वाला हूँ। एलिस भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे बारे में सोचूंगी। एडम पूछता है कि क्या तुम्हें हाइकिंग सीखनी है। एलिस भी इंटरेस्टेड होती है तो एडम फिर कहता है कि काम हो जाने के बाद तुम यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। एडम फिर एलिस का काम हो जाने के बाद उसे इंडोर हॉल में बुला लेता है जहाँ पर वो माउंटेन क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर एडम की सिस्टर डेबरा भी है। डेबरा एलिस को वॉल चढ़ने के लिए रोप वगैरह लगाती है, उसके शूज वगैरह टाई करती है, उसे ऊपर चढ़ने में हेल्प करती है। जब एडम ये सब देखता है तो एलिस के पास आ जाता है। डेबरा को एलिस से दूर कर देता है। एडम एलिस को कहता है कि वो मेरी सिस्टर है पर मैं उसे बहुत ही हेट करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस अपने फ्रेंड से मिल रही है। वो अपने फ्रेंड को कहती है कि जब से वो इस न्यू रिलेशनशिप में है तो वो बहुत ही बदल चुकी है, उसकी लाइफ बहुत ही एक्साइटेड है। कि जो फ्रेंड है यही उसके एक्स बॉयफ्रेंड की भी फ्रेंड है। उसकी फ्रेंड कहती है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद उसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। एलिस की फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम सिर्फ एडम से अट्रैक्टेड हो, पर सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से ये कुछ अच्छी रिलेशनशिप होगी ऐसा कोई भी 100% श्योर नहीं है। एलिस को ऐसा नहीं लगता। एलिस कहती है कि हम दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही अलग है। एलिस अपने फ्रेंड से मिलकर रास्ते से जा रही होती है और अब वो एडम से मिलने वाली है। रास्ते पर एक आदमी उसकी पर्स ले लेता है और भागने लग जाता है। एडम भी उसे मिलने ही आ रहा था तो ये सब वो देख लेता है और उस आदमी के पीछे वो भागने लग जाता है। आगे चलकर उसे वो पकड़ लेता है। एलिस भी थोड़ी देर में वहां पहुंच जाती है। इस आदमी को एडम बहुत मार रहा होता है और मारते मारते उसे मार भी सकता है, तो इसीलिए एलिस उसे रोक लेती है। एलिस को अगर कुछ हो जाता तो वह सह नहीं पाता। वह रियलाइज करता है कि एलिस से बहुत प्यार करता है और एलिस को कह भी डालता है। वो फिर उसे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एलिस को अजीब लगता है कि ज्यादा जल्दी हो रहा है, पर फिर भी वो भी उसके बहुत ही प्यार में है तो हाँ कह देती है। एक दिन घर के बाहर एलिस को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अपना दिमाग तुम यूज करो, तुम एडम के बारे में एक्चुअल में कितना कुछ जानती हो। एलिस को बहुत ही वियर्ड लगता है और एडम को लेटर दिखाती है। एलिस एडम को यह भी कहती है कि एक फोन कॉल आया था जिसमें कोई भी बात नहीं कर रहा था। एडम कहता है कि इस पर ज्यादा तुम ध्यान मत दो, अगर फिर से तुम्हारे साथ ही हुआ तो मुझे बताना। एडम और एलिस शादी करने वाले होते हैं। एडम उसे एक टाउन में लेकर आता है। एडम का फैमिली चर्च होता है जिसमें वो शादी कर लेते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह होती है। एडम को बचपन में जो भी स्पॉट्स अच्छे लगते थे ये सब वो एलिस को दिखाता है। एलिस भी आज बहुत ही खुश होती है। एडम एलिस से कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि हर आदमी के दो पीसेस होते हैं, वो दूसरा पीस उसका सोलमेट होता है, यही हम हमेशा से ढूंढते रहते हैं। एडम कहता है कि तुम ही मेरी सोलमेट हो। एडम प्लान बनाता है मैरिज सेलिब्रेट करने के लिए। वो एलिस के साथ ट्रेकिंग पर जाना चाहता है। जगह पर आते हैं ये वो कपड़े चेंज करते हैं। कपड़े चेंज करते वक्त एलिस जब न्यूड होती है तो एडम उसकी फोटो निकालना चाहता है। एलिस शर्मा रही होती है पर वो कॉन्फिडेंटली उसे फोटो निकालने के लिए कहता है। ये फोटो उसने स्टैचू के पास निकाली होती है। मूवी में आगे आपको इसका और भी सिग्निफिकेंट पता चलेगा। एडम फिर फोटो लेने के बाद एक फ्लेयर गन निकालता है और उसे आकाश में चलाता है। एज अ फायरवर्क्स ये काम करता है। एलिस पूछती है कि तुम्हें यह फ्लेयर गन कैसे मिली। एडम कहता है कि हाइकर्स के लिए चर्च में सप्लाईज होते हैं। एडम फिर से इस गन को लोड करता है और चर्च के बाहर रख देता है। एलिस और एडम दोनों फिर माउंटेन चढ़ने लग जाते हैं। बहुत टाइम हो चुका है पर फिर भी ये ट्रेकिंग ही कर रहे हैं। एलिस कहती है कि मेरा हनीमून मैंने अलग इमेजिन किया था। एडम कहता है कि तुम्हारा हनीमून तुम कभी भी भूल नहीं पाओगी। एडम एलिस को लेकर आगे जाता है और एलिस भी उसे फॉलो ही करती रहती है। रात हो जाती है पर फिर भी उसे फॉलो ही कर रही है। थोड़ा आगे चलकर रिवर के पास एक ब्यूटीफुल घर होता है जो उनके लिए होता है। एलिस को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। ये अंदर जाती है तो एडम उसके लिए ड्रिंक बनाता है। एडम फिर घर में एक हुक फिट करता है। उसने उसके साथ एक सिल्क रिबन भी लाई होती है। ये रिबन वो उस हुक को बांधता है। यही रिबन वो एलिस के गले को भी रैप कर देता है। ये दोनों फिर इसी तरीके से इंटीमेट हो जाते हैं।
एलिस कहती है कि उस दिन मैंने सब कंट्रोल छोड़ दिया, मेरी सांस पर भी एडम का ही कंट्रोल था और उसे ये बहुत ही अच्छा लगा था। अब थोड़े दिन गुजर जाते हैं और एक दिन घर के बाहर एलिस को एक लेटर मिलता है। इस लेटर में लिखा होता है कि एडम से शादी करना ये एक मिस्टेक थी। एलिस को लगता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ये सब कर रहा होगा, इसलिए उसे वो कॉल लगाती है। ये कॉल उसकी फ्रेंड ही उठाती है। एलिस की फ्रेंड और उसका एक्स बॉयफ्रेंड ये दोनों अब रिलेशनशिप में है। एलिस इस लेटर पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। एक दिन एडम एलिस को एक पार्टी पर लेकर जाता है। ये सब उसके माउंटेन चढ़ने वाले सब फ्रेंड्स की पार्टी होती है। इस पार्टी में एडम को सब घेर लेते हैं और एलिस से वो बात नहीं कर पाता, उसे बहुत ही अकेला महसूस होता है। यहाँ पर डेबरा भी होती है तो एलिस के पास आ जाती है। एलिस को जरा अपसेट देख कर पूछती है कि हुआ क्या है। एलिस कहती है कि मेरा जरा सर दुख रहा है। डेबरा एलिस का हाथ लेती है और उसे एक्यूप्रेशर करने लग जाती है। थोड़ी देर में एलिस को अच्छा लगने लग जाता है। डेबरा ने एलिस के लिए एक नेकलेस लाया हुआ होता है जो एलिस को देती है। एलिस को भी नेकलेस बहुत ही अच्छा लगता है। एलिस जब थोड़ी देर में फिर से पार्टी में घुल मिल जाती है तो एडम के फ्रेंड भी एलिस की और एडम की शादी हो गई है इस वजह से सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। इस रात के बाद फिर से एलिस का रूटीन जैसे चल रहा था वैसा चलने लग जाता है। एक दिन जब वो जॉब पर होती है तो उसे रिपोर्टर का कॉल आता है। ये रिपोर्टर कहती है कि जब मैंने एडम पर स्टोरी पब्लिश की तो एक लड़की का मुझे कॉल आया। वो क्लेम कर रही थी कि एडम ने उसका रेप किया है। उस लड़की ने क्या कहा था और उस लड़की का एड्रेस सब एलिस उसे फैक्स करने के लिए कहती है। एलिस फिर इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस लड़की के पास आ जाती है। एलिस ढूंढ लेती है कि वो रिपोर्टर है जिसने एडम की इंटरव्यू ली थी। ये लड़की फिर सब कुछ बताने लग जाती है। ये लड़की कहती है कि हम एक पार्टी में थे, उसके बाद हम बाहर गए। एडम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहता था पर मैंने उसे मना कर दिया था, पर फिर भी उसने मेरा कुछ माना नहीं। ये लड़की कहती है कि उसने मेरा रेप किया पर उसे इसके लिए कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था, वो एक मॉन्स्टर है। इसके बाद एलिस वहां से चली जाती है और एक्चुअल रिपोर्टर के पास मिलने के लिए आती है। ये रिपोर्टर को सब कुछ बताती है। रिपोर्टर कहती है कि ऐसा कुछ भी मत करो, तुम्हें क्यूरियोसिटी थी ये ठीक है, पर इसी क्यूरियोसिटी के चक्कर में लोग हर्ट हो जाते हैं। रिपोर्टर ने एलिस और एडम की जोड़ी देखी है, उसे मालूम है कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रिपोर्टर फिर कहती है कि इन सब चीजों को तुम जाने दो, इस पर तुम बिलीव नहीं कर सकती। जिस कैफे में एलिस इस रिपोर्टर से मिलती है, इस कैफे में हमें दिखता है कि इन दोनों पर कोई नजर रख रहा है। एलिस रात में इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचती रहती है। एलिस रियलाइज करती है कि एडम के साथ उसने शादी तो कर ली है पर एडम के बारे में उसे ज्यादा कुछ चीजें पता नहीं है। हम लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी स्टोरीज हमें मालूम है, उस तरह की स्टोरी उसे कुछ ही मालूम नहीं है। एलिस को फिर रियलाइज होता है कि ऊपर एक कबर्ड है जो लॉक्ड है। वो फिर ऊपर जाती है, चाबी लेती है और उसे अनलॉक करती है। अनलॉक करने के बाद उसे बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं। ये सब लेटर्स लड़कियों के होते हैं। एक लड़की ने इस लेटर में कहा होता है कि वो अब एडम के साथ नहीं रह सकती। एडम जो भी सब चीजें करता है वो बहुत ही एक्सट्रीम है और वो उसके साथ ये सब नहीं कर सकती। ये लेटर वो पढ़ते पढ़ते ही एडम वहां आ जाता है। ये जल्दी से इस कबर्ड को बंद कर देती है। ये जल्दी जल्दी में ही एडम के पास आती है और कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। एडम पहचान जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब ये नेक्स्ट दिन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो एडम पूछता है कि मैंने तुम्हें कल कॉल किया था पर तुम अपने ऑफिस में नहीं थी। एलिस कहती है कि मैं क्लाइंट के साथ एक मीटिंग में थी। एडम उसे बहुत इंटरोगेट करता है। एलिस इस पर चिढ़ जाती है। तो एडम कहता है कि तुम कहाँ काम करती हो, दिन में क्या करती हो, ये मुझे पिक्चर करना सही लगता है। डेबरा ने एलिस को जो नेकलेस दिया था उसके बारे में उसे पूछता है। एलिस इसके बारे में भी उसे बता देती है। एडम का फिर फ्रेंड वहां आता है। एडम की और एक इंटरव्यू है तो वहां से चला जाता है। एडम वहां से जाने के बाद एलिस को फिर से एक लेटर मिलता है। इस लेटर में लिखा होता है कि तुम उसके साथ कितने दूर तक जा सकती हो। अब हम देखते हैं कि एलिस को जो लेटर मिला था जिसमें लड़की एडम से कह रही थी कि उसे ब्रेकअप करना चाहती है, उस लड़की का एड्रेस वहां होता है तो वहां पहुंच जाती है। यहाँ पर उस लड़की की मदर होती है। ये मदर कहती है कि 8 महीने हो चुके उसकी बेटी घर पर ही नहीं आई, 8 महीने से गायब है, तो एलिस बहुत ही सस्पिशियस हो जाती है। एक्चुअल में जो लड़की थी उसकी शादी हो गई थी पर वो एडम के साथ ट्रैकिंग करती थी, इसी वजह से उसके साथ वो ब्रेकअप करना चाहती थी। इस लड़की की मदर इस लड़की के फोटो एलिस को दिखाती है। एडम ने एलिस का जिस तरह से फोटो निकाला था स्टैचू के सामने, उसी तरीके से इसी लड़की का भी फोटो वहां होता है। एलिस फिर समझ जाती है कि एडम इस लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व था और एडम इस लड़की का गायब होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। लड़की की मदर कहती है कि एडम भी उससे मिलने के लिए आज आने वाला है। एलिस डर जाती है क्योंकि एडम उसे स्पॉट कर सकता है, जल्दी से वहां से भाग जाती है। रात में एडम जब घर पर आता है तो एलिस से पूछता है कि मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ तो छुपा रही हो। एडम एलिस को पकड़ता है और टेबल से उसे बांध देता है। एलिस एडम से कहती है
कि मुझे सब कुछ लेटर्स मिल चुके थे। एडम बहुत ही चिढ़ जाता है, कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती। वो सब एडम का पास था, उसे भुलाना चाहता है। एलिस फिर उसे सॉरी कहती है, बोलती है कि मुझे लगा था तुम्हारे बारे में और भी कुछ ज़्यादा मैं जान सकी तो मैं तुमसे ज़्यादा प्यार कर सकूंगी। एडम उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एलिस कहती है कि मुझे अनटाई करो, उसे टॉयलेट जाना होता है। जब वह टॉयलेट के लिए जाती है तो खिड़की से बाहर निकल कर भागने लग जाती है। एडम भी ये रियलाइज करता है और वो भी भागता है। एलिस एक जगह अंधेरे में छुप जाती है और एडम उसे ढूंढ नहीं पाता। वो डायरेक्टली पुलिस के पास आती है। उसे जो लगता है कि एडम ने एक लड़की को मार डाला है, यह सब चीज़ें वो पुलिस को बता देती है। जो भी सब मूवी में अब तक हुआ था ये सब पुलिस को वो बता रही थी। एडम एलिस के लिए चिंतित हो जाता है और वो भी पुलिस स्टेशन आ जाता है। वो पुलिस को कह रहा होता है कि वो एलिस के लिए बहुत ही वरीड है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए आया हुआ है। पुलिस एलिस को कहते हैं कि तुम जो सब कह रही हो ये सब ठीक है, पर उसके खिलाफ हमारे पास कुछ भी सबूत नहीं है, हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। एडम फिर जब पुलिस स्टेशन से चला जाता है तब एलिस वहाँ से निकलती है। वो डायरेक्टली डेबरा के पास आती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि एडम ने खून किए हैं। एलिस डेबरा से कहती है कि जो एक्सीडेंट हुआ था क्या तुम्हें लगता है कि वो जानबूझकर उसने ही किया था? एलिस को लग रहा होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी तंग आ गया था, इसी वजह से उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी मार डाला। डेबरा कहती है कि मुझे भी उस पर शक है। ट्रेकिंग करते वक्त जो हुक उन्होंने यूज़ किया था ये बहुत ही स्ट्रांग था, ये कभी भी टूट नहीं सकता था। एलिस कहती है कि हमें उस मिसिंग लड़की की बॉडी ढूंढनी चाहिए। एलिस को लगता है कि जहाँ पर उसकी फोटो एडम ने ली थी वहीं पर ये लड़की गड़ी होगी। एलिस और डेबरा दोनों फिर उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे कार में होते हैं तो डेबरा कहती है कि जो लेटर तुम्हें आ रहे थे वो मैं ही सेंड कर रही थी, मुझे पता था कि मेरा ब्रदर एक अच्छा आदमी नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है ये मुझे मालूम था, इसलिए तुम्हें वार्न करने के लिए ये सब लेटर में तुम्हें भेजती थी। एलिस को ढूंढते ढूंढते एडम भी डेबरा के घर पर पहुंच जाता है। वो अंदर आ जाता है और अंदर उसे उस लड़की की फोटो मिल जाती है। उसे पता चल जाता है कि कहाँ गए होंगे। अब एलिस और डेबरा जगह पर पहुँच कर डिग करने लग जाते हैं। एलिस को थोड़ी देर बाद बॉडी मिल जाती है। अब वो बहुत ही डर जाती है, उसने प्रूव कर डाला है कि एडम ने यह सब किया होगा। और भी डिग करती है तो उसे एक नेकलेस मिलता है। ये वही सेम नेकलेस है जो डेबरा ने एलिस को दिया था। डेबरा फिर कहती है कि यह सही है, मैंने ही उस लड़की को मारा था। एडम का जो एक्सीडेंट था ये डेबरा ने ही करवाया था। एलिस को धक्का लगता है, वो पूछती है तुम ये सब कर क्यों रही थी। डेबरा कहती है कि सिल्क के साथ इस घर में तुम जो सब कर रहे थे तो तुम्हें क्या लगता है कि एडम को ये किसने सिखाया होगा? यानी कि डेबरा बचपन से पागल थी और एडम के साथ इंटीमेट हुआ करती थी। डेबरा फिर ये कहकर शवल निकालती है और एलिस को मारने लग जाती है। एडम भी वहां पहुंच जाता है। एडम डेबरा को मारकर घायल कर देता है। एलिस वहां से भाग गई होती है। थोड़ी देर में एलिस वहां आती है। एडम के पीछे से डेबरा फिर से उसे मारने के लिए आ रही होती है, पर इस बार एलिस के पास जो फ्लेयर गन चर्च में रखते थे वो है। इस फ्लेयर गन से वो डेबरा को मार डालती है। एडम कहता है कि मुझे लगा था कि अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट कर पाओगी तो मुझे कुछ भी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद पुलिस को बुलवाया जाता है, ये सब केस वगैरह क्लोज हो जाती है। एडम अपनी जिंदगी में हर चीज एक्सट्रीम करता है, पर इस एक्सट्रीम जिंदगी एलिस नहीं जी सकती, उसे जरा स्टेबल लाइफ जीनी है। इसी वजह से अब वो एडम के साथ नहीं रहना चाहती, वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। वो हमसे कहती है कि वो अभी भी एडम को याद करती है। वो 2 साल बाद फिर एडम से मिली थी, पर इस बार उसने उससे कुछ भी बात नहीं की थी। उसे पता है कि एडम के साथ उसकी रिलेशनशिप गलत है। यही मूवी एंड हो जाती है। अगर हम मूवी में एलिस के बारे में बात करें तो उसने अपने बॉयफ्रेंड पर चीट किया, एडम को वो जानती भी नहीं थी, फिर भी उसने उसके साथ शादी कर ली। जब उसे ये रियलाइज हुआ तो सब चीजें बाहर आने लग गई। एडम के बारे में उसे सब कुछ चीजें पता चली और उसके बाद उसके साथ रह नहीं पाई। मूवी में एडम वायलेंट ही हमें दिखाया गया है, उसने किसी का मर्डर नहीं किया है, पर एक लड़की ने कहा था कि उसका उसने रेप किया है, और ये भी सच हो सकता है। एलिस को एडम के साथ रहना डेंजरस ही था, तो यह सही डिसीजन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।